हाँ बेटा, तुमने जो पूछा कि जब सब इल्यूजन है तो लोग मंदिर में पूजा करते हैं या किसी विशेष स्थान पर जाके कुछ मांगते हैं, वो पूरा क्यों हो जाता है, कौन उसको पूरा करता है? तो इसका जवाब ये है बेटा कि एक तो वो अवस्था है कि जब आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब आपके लिए जीवन मरण कुछ भी नहीं बचा, अब आप मुक्त हो, जिंदा जिंदा मुक्त हो और शरीर छूटने के बाद मुक्त हो, एक तो वो अवस्था है। और दूसरी, जो लोग माया में रहते हैं तो ये संसार क्या है, एक कल्प वृक्ष के समान है, जो जो चाहता है उसको वो मिल सकता है और मिल जाता है, अगर चाहता है वो पूरी ताकत से चाहता है तो मिल जाता है उसको, और जो नेगेटिव चाहता है उसको नेगेटिव मिल जाता है। तो ये कल्प वृक्ष के समान है। और जैसे लोग कहते हैं कि जो जैसा सोचता है जब जैसा करता है वो वैसा बन जाता है। एक लड़का सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, अब वो कुछ भी मान्यता कहीं किसी देवी देवता के रख ले, लेकिन वो डॉक्टर बनता है तो अपनी मेहनत से बनता है, इंजीनियर बनता है तो अपनी मेहनत से बनता है, किसी देवी देवता की मेहरबानी से नहीं बनता। लेकिन उसका जो भय होता है, वो उसका भय इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई मैंने तो ये मंदिर में मान्यता मानी थी इसलिए मेरे को ये चीज मिली है। लेकिन संसार में ये इस संसार में इतने विभिन्न प्रकार के लोग हैं, ऐसी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, करोड़ों अरबों तरह के लोग हैं, उनकी जो इच्छाएं कभी कभी एक दूसरे की इच्छाएं कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती हैं, लेकिन वो पूर्ति भी होती हैं। लेकिन ये सारा झमेला माया का है, और चूंकि तुम माया में जियोगे तो माया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन बस माया में तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता ना। तो जैसे हम सपने में रात में हम सोते हैं, कभी भूखा सो जाते हैं तो रात में हमको सपना आता है कि हम भोजन कर रहे हैं, हमारी माँ आ गई या पत्नी आ गई, उसने थाली में बढ़िया बढ़िया गर्म गर्म भोजन, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो है व्यंजन बना के रखे, हम वो खा रहे हैं, है ना। कोई लड़का जिसकी शादी नहीं होती, वो सपना आता है उसको कि भी हमारी तो सपने में उसकी शादी होने लग जाती है, और वो सोचता है, वो लड़का की सपने में उस अपनी शादी देखता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बेचारे कंगाल रहते हैं, पैसा नहीं होता, तो वो सपने में पैसा, उनको पैसा प्राप्त हो जाता है, है ना। तो इस प्रकार से इस संसार में जब हम कोई भी कामना करते हैं तो वो कामना हमारी इस संसार में पूरी इस तरह ही हो जाती है, जैसे सपने में किसी चीज की कमी होने पर वो सपने में भी पूर्ति हो जाती है, सपना ऐसा आ जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जो है जगत में ऐसी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ति होती है, और लोग ये समझते हैं कि वो देवी देवता से पूर्ति हो गई है। असल में जगत में अगर कोई देवी और देवता है तो वो तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा है, और वो ही परमात्मा विभिन्न रूपों में तुम्हें दिखता है, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी गणेश के रूप में, और वही परमात्मा तुम्हारी जैसी अभिरुचि होती है उस तरह से तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। संतुष्ट हो गई आप?